आप क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब छात्र घर लौट जाएं पेपर दें ही ना, आप ये बताना चाह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि प्रताड़ना तो ऐसी ही है, प्रताड़ना ऐसी है। मैं निपुण जी के पास, इनका कई छात्र छात्राओं को ये शिक्षा बताते हैं कि ऐसे पेपर की तैयारी करो जो क्राइसिस टाइम क्राइसिस कैसे, ये वाले छात्र आ गए हैं और दिल्ली से भी हैं, हर जगह से आए हुए हैं। निपुण जी, पहले तो आप ये जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है ये हर जगह नहीं लागू हो सकती ना, आईआईटी जेई में लागू है वहाँ भी आया, नीट में भी इसमें खामियां निकल के आई, और ठीक है कोई प्रोसेस बनती है मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, उसमें खामियां, जब कहते हैं ना घर में रहने भी जाओ नए घर में तब मालूम पड़ता है कौन सा नल खराब है, कौन सा स्विच दबाने से लाइट जलेगी और पंखा चलेगा, तो सरकार को ये बीच समय लाने क्यों, कह देते 2025 की जब भर्ती आएंगी तब उसमें ये करेंगे। तीन बार परीक्षा टाली आपने, मार्च में चुनाव थे तब टाल दी, फिर टाली, अब टाल रहे, और फिर ये माना जा रहा है कि ये परीक्षा तो टल के ही रहेगी, सरकार कहे कुछ भी। देखिए पुष्कर जी, पहले तो मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा, नॉर्मलाइजेशन जो बात चल रही है वो क्या मैटर है, क्या मसला है, क्योंकि काफी दर्शक आपके ऐसे होंगे जो प्रक्रिया को भी नहीं जानते होंगे, प्रक्रिया है क्या, किस किस तरह से चल रही है। देखिए जब हम नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, अगर एक पाली में एग्जाम होता है तो इस प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है, होता कब है जब दो पाली चार पाली तीन पाली में एग्जाम हो तब इसकी प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है, खासतौर से जब हम सिविल सेवा के एग्जाम की बात करते हैं। एक बार को देखिए थोड़ा सा अगर पुष्कर जब याद करिए कि जैसे हम लोग बचपन में मैथ पढ़ते थे, जो 12th तक मैथ आता था जी, तो हम लोग पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्री अर्थमेटिक बायोलॉजी, वो आपका एलजेब्रा पढ़ते थे, कैलकुलस पढ़ते थे, कई सब्जेक्ट हम पढ़ते थे, उसमें एक क्लासिफिकेशन करना आसान था कि ये मैथ का ये पोर्शन अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है, थोड़ा इजी होता है। लेकिन जो और आपके एग्जाम होते हैं और जो आपके पेपर होता था उसमें आपका कैलकुलस है या स्टैटिक है या सब्जेक्ट वो थोड़े टफ होते थे, तो वहाँ पर अगर क्वेश्चन की कैटेगरी होती है तो हम इजिली तय कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सरल है कौन सा क्वेश्चन टफ है। लेकिन जब हम बात करें सिविल सर्विस में जीएस का जो पेपर होता है, जनरल स्टडीज का जो पेपर होता है, वहां पर ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन सरल और कौन सा क्वेश्चन टफ। ये कब तय होता है? तब तय होगा जब आप बच्चे एग्जाम देकर आ जाते हैं, और एग्जाम देने के बाद जब मेरिट बनती है, यानी कि जब आपका मेरिट बनेगी तब पता चलेगा कि पेपर टफ था या ईजी था। वो तय कैसे होगा? मान लीजिए पहले दिन आपका पेपर हुआ, पहले दिन पेपर में हाईएस्ट जो बच्चे ने स्कोर किया वो 90 नंबर था, नेक्स्ट डे जब पेपर हुआ वो 110 हो गया। जब 110 हो गया तो ये महसूस हुआ कि जो ये पेपर बना था, जो सेकंड पेपर जो सेट बना था वो कहीं ना कहीं क्या था, सरल बन गया, जिससे बच्चे क्या करें 110 कर ले गए। अब यहाँ पर क्या करना होगा, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होगी कि जो 90 वाले हैं इनको थोड़ा सा मार्क्स दे दिए जाएंगे, जो 110 वाले हैं उनको कम कर दिए जाएंगे। अब होगा क्या कि जिस बच्चे को पहले आपके क्या थे कम नंबर मिले हुए थे, उसको अगर 10 नंबर का भी आप क्या करते हैं सरप्लस करते हैं, तो जैसे 10 नंबर का सरप्लस होगा वो 100 पे आ जाएगा, और जो 110 का स्कोर किया था वो घटकर आपका, उसको 10 कम करते हैं तो वो 100 पर आ जाएगा। तो जिस बच्चे ने मेहनत करके 110 लेकर आया था, चाहे देखिए पेपर टफ और इजी कुछ नहीं होता, मैं इसको ये मानता हूँ, मैं बच्चे को बोलता भी हूँ अगर मेरे को कोई प्रश्न आता है तो मेरे लिए इजी है, और कोई प्रश्न मेरे को नहीं आता तो वो टफ है। और सिविल सेवा का जो एग्जाम होता है इसकी प्रकृति थोड़ी ऐसी होती है, इसमें कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं और कुछ इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। मैं अक्सर बच्चों को देखता हूँ कि कुछ बच्चों का कॉन्सेप्ट पार्ट बहुत अच्छा होता है और कुछ बच्चों का फैक्चुअल पार्ट बहुत अच्छा होता है, तो डिपेंड ये करता है कि उसका रेशियो, मतलब बहुत सारी चीज़ों से वेरिएशन डिपेंड करती है। अभी जो बच्चों की जो डिमांड चल रही है कि जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है इसमें आप कैसे करेंगे, आप इसमें अगर सी सेट का एक हमारा पेपर होता है, जीएस का होता है, इसमें आप किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन करेंगे, अगर वो प्रक्रिया आयोग के द्वारा ट्रांसपेरेंट कर दी जाए। देखिए दो पाली में हो या तीन पाली में हो, निपुण जी एक मैं भी समझना चाहूंगा एक, क्योंकि अब आप बच्चों वाली बात पर आ गए थे जो कह रहे थे, मुझे एक बात बताइए, ये मैथ का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का एग्जाम है, उसमें तो मान लीजिए आपने निकाल लिया, हिस्ट्री का पेपर है या ज्योग्राफी का पेपर है, हिस्ट्री के पेपर में दो सवाल पूछे गए दो पालियों में कि नेहरू जी का
प्रधानमंत्री रहते हुए कार्यकाल कैसा था, और दूसरे में पूछा गया नेहरू जी के कार्यकाल की 5 खामियां क्या थी। तो इसमें आयोग कैसे तय करेगा कि विजय जी ने जो जवाब दिए वो कम नंबर के थे या नवीन जी ने जो जवाब दिए वो ज्यादा नंबर के थे। मतलब लागू करिए ना ऐसी चीज जो व्यवहारिकता में हो ना, और ज्यादा सब्जेक्ट तो आर्ट्स के ही है। हाँ, मैं वही बात कह रहा हूँ। आपने जो एग्जाम्पल दिया वो तो मुख्य परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न हमारे यहाँ पूछे जाते हैं, लेकिन अगर हम प्री एग्जाम की बात करें तो आप क्वेश्चन ऐसा आएगा। देखिए, मैं इसको उदाहरण आपको देता हूँ, आप सब लोग बहुत अच्छे से आप समझती हैं और दर्शक भी आपके समझेंगे। एक क्वेश्चन ये आया कि राइट टू प्राइवेसी, जिसको हम लोग बोलते हैं निजता का अधिकार, वो संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, इन दोनों में, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार का प्रश्न आया। अब इस प्रश्न के उत्तर दोनों हैं, आर्टिकल 21 भी और आर्टिकल 19 भी है। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इसको आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 दोनों को बताता है, और कई बार क्या होता है कि जो संविधान विशेषज्ञ है वो आर्टिकल 21 बताते हैं। होता क्या है कि हर साल हम चाहे यूपी पीसीएस की बात करें या हम एमपी पीसीएस की बात करें, हर साल 60 से 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पर डाउट होता है, जिसपे आयोग फाइनल करता है कि उसका उत्तर क्या होगा। जब इस प्रकार की स्थिति होगी, अब मान ली एक दिन क्या हुआ, जो पहले दिन पेपर हुआ उसमें 7 क्वेश्चन पे डाउट हुआ जिसपे आयोग ने तय किया, अगले दिन क्या हुआ 12 क्वेश्चन पे डाउट हो गया, तब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होगी? नहीं, एक मिनट निपुण जी, इसमें इन्हीं बच्चों का कुछ और भी कहना है कि पहले तो आंसर शीट भेजता था आयोग, अब तो आंसर शीट भेजना ही बंद कर दी, तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि पुष्कर चौहान का ठीक था कि दिनेश जी का ठीक था आंसर? मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो बात सारा सारा है वो है ट्रांसपेरेंसी की, और प्रक्रिया क्या होगी उस प्रक्रिया की भी ट्रांसपेरेंसी की। अगर आयोग ये सेटिस्फाइड कर दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे 2 पाली चाहे 3 पाली। अब बच्चों देखिए, आयोग का मुझे जो लगता है, आयोग इसलिए करना चाह रहा है अभी से पालिका सिस्टम, क्योंकि 5 लाख तक का जो नियम था, जमदे के जो गवर्नमेंट नियम लेकर आई थी कि 5 लाख से अधिक बच्चे होते हैं तो आप अलग अलग पाली में पेपर करा सकते हैं। यहाँ पे 5 लाख की जगह 5.5 लाख है, तो एक पाली में हो सकता था। लेकिन संभावना यह है कि 2025 में जब आयोग एग्जाम लेगा तो 6 लाख 7 लाख भी फॉर्म हो सकते हैं, 8 लाख भी हो सकते हैं, पहले हुआ भी 8-8 लाख भी फॉर्म भरे गए हैं, तो उसके लिए पहले से प्रिपरेशन किया जाए। लेकिन मैं फिर कहूंगा, बच्चों की जो मांग है वो जायज मांग है, अगर ट्रांसपेरेंसी होगी तो मुझे लगता है कि ये मांग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, इतना बड़ा इश्यू बनेगा नहीं। निपुण जी ने, नवीन जी बिल्कुल स्पष्ट कहा कि बच्चों की मांग जायज है, और थोड़ा दर्शकों को समझाने के लिए मैंने निपुण जी को इसलिए टाइम ज़्यादा दिया कि लोग समझ सकें, दर्शकों कि भाई ये ना जाए, क्योंकि अब ये भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इन लोग को पीछे से फ्यूल दे रही है, खाना पानी दे रही है, बसपा अलग दे रही है, तो मतलब एक अलग माहौल, और उत्तर प्रदेश में राजनीति पकड़ती भी जल्दी है। तो अब आपको क्या लग रहा है, सरकार पीछे कदम खींचेगी कि जो विजय जी कह रहे थे वो करेगी, पहले सुनती रहेगी फिर बाद में विचार करेगी और टाल देगी और फिर कुछ नया ले आएगी? पुष्कर जी देखिए, 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं इस सरकार के इतिहास में, जो हम लोगों ने पिछले 10 वर्षों में केंद्र में देखा है और उत्तर प्रदेश में 7 सालों में देखा है। अधिकांश मामलों में सरकार का जो रवैया होता है वो बड़ी हठधर्मिता का रहा है, एडामेंट रही है, लोग आंदोलनरत रहे हों, मर रहे हों, ना कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन बहुत अंत में जाके वो फैसला लेती है। मुझे लगता है कि आजादी के आंदोलन के बाद अगर सबसे बड़ा कोई आंदोलन भारत में चला तो वो किसान आंदोलन था, जो किसान बिल लाए गए थे। उसके बाद एक लंबे समय के बाद में वो किसान बिल, कोविड में भी आंदोलन चलता रहा और रोल बैक करना पड़ा केंद्र की मोदी सरकार को। कमोबेश ऐसी स्थितियां कई बार आई हैं, और सरकार को लेटरल एंट्री पर ले ले तो उस पर भी रोल बैक करना पड़ा, तो बहुत सारी चीजें हैं, वक्त बिल्कुल जेपीसी में भेजना पड़ा। अब ये आता है कि देखिए, हमारे प्रदेश की और देश की जो युवा पीढ़ी है, कम से कम आप उनके साथ खिलवाड़ मत करिए, क्योंकि एक दिन से एक कैंडिडेट ओवर एज हो जाता है, वो फिर एलिजिबल नहीं रहता एग्जाम देने के लिए। निपुण जी गाइड करते हैं बच्चों को तो बहुत अच्छे से, बात हो सकता है मैं नहीं समझा पाऊं, निपुण जी और अच्छे से बता पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि उन बच्चों के करियर के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी आप देखिए, पीसीए, यही संजय श्रीनेत थे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन, इन्हीं के कालखंड में जब उपाध्याय जी ने चर्चा भी की कि पीसीएस जे का परीक्षा पत्र में आंसर सीट बदलेगी, 50 से ज्यादा पर हलफनामा इन्होंने हाईकोर्ट में दिया, सरकार ने क्या कार्रवाई की? आप सुप्रीमो है भाई, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की,
आपके ऊपर क्या एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं है। अब दूसरी चीज आती है कि आप देखिए सरकार के मुखिया हैं, सरकार के मंत्री है, मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी आदमी ने कभी कोई इस स्तर की परीक्षा में फॉर्म भर के एग्जाम दिया होगा या तैयारी की होगी। अगर की होती तो वो निश्चित तौर पर इन छात्रों की पीड़ा को समझ रहे होते। ये बिल्कुल भी कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, भले ही कोई कहता रहे कि इसको विपक्ष हवा दे रहा है, विपक्ष का काम है। अगर कोई भी प्रदेश के नागरिक हों, छात्र हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों या नौकरी पेशा कर्मियों, कोई भी परेशान अगर होता है तो विपक्ष का ये दायित्व होता है कि उनकी आवाज बने, उस आवाज को सदन तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए। तो वो काम विपक्ष अपना कर रहा है, उसमें मुझे नहीं लगता कहीं कोई आपत्ति वाली बात है। प्रश्न ये है जो निपुण जी ने बहुत विस्तार से समझाया कि भाई आपने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ला दी, दो दिनों अलग अलग उसमें आप एग्जाम कराएंगे दो अलग अलग दिनों। देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन की बात हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं तो आप ये मान लें कि क्या इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है? उसमें धांधली हो तो होने दो, नहीं होनी चाहिए ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण अंग है चुनाव। आप उसमें अगर धांधली को स्वीकार नहीं करते तो फिर आप एग्जामिनेशन में भी स्वीकार मत करिए। लेकिन ये जो दो अलग अलग परीक्षा, बड़ी अच्छे से निपुण जी ने कहा, एक देखिए ऐसा है सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न आते हैं उनमें जो प्रश्न का जवाब मुझे आता है वो मेरे लिए सरल है, दूसरे को नहीं आता तो उसके लिए वो भी कठिन है। अब प्रश्न ये है कि दो अलग अलग पालियों में हुआ, उसके बाद एक बच्चा ऐसा है जिसको दूसरी पाली का एग्जामिनेशन पेपर जब वो देखता वो कहता है यार ये मुझे मिल जाता तो मजा आ जाता, मेरे मेरिट बहुत हाई जाती, मेरा दुर्भाग्य रहा, मैं बहुत हार्ड लक वाला आदमी रहा कि मुझे यार ये एग्जामिनेशन पेपर नहीं मिल पाया। तो इस तरीके की एक आत्मग्लानी बच्चों में आ जाएगी, ये बहुत इसके इम्पैक्ट बहुत दूरगामी होंगे। मेरा ये मानना है कि आपके पास उत्तर प्रदेश में इतने, आपने कहा नोएडा जैसी जगह को आपने अपने सेंटर में ही नहीं रखा भाई, और प्रयागराज जहां संजय श्रीनेत जी बैठे हुए हैं, पेपर लीक वहां से हुआ था, भोपाल से हुआ था पीसीएसजी का पेपर लीक, एफिडेविट आप दे रहे हैं, आंसर शीट बदली गई है, तमाम एग्जामिनेशन पेपर लीक, 70 परीक्षा पेपर लीक हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, और उसके बावजूद भी अगर आप कुछ सॉलिड नेक्स्ट राउंड में आता हूँ नवीन जी, नेक्स्ट राउंड में आता हूँ आपके पास।